हाय, वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? तो ये वाला ना ईद के पहले वाला दिन है और रात है, तो फिर मैं मेहंदी लगा रही थी। ये वाला मेहंदी का कोन है ना, मैंने शिकागो से लाई थी स्पेशली फॉर ईद। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें केमिकल था, तो बस एक घंटे में इतना ज़्यादा कलर आ गया था। फिर अब ये वाला ईद का डे है, ईद के दिन सुबह सुबह में निहाल और खालिद नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, और यहाँ पर है ना सुबह में 7:30 बजे की नमाज थी और मैंने घर पर ही नमाज़ पढ़ ली थी। ईद मुबारक। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैंने थोड़ा सा ईद टेबल का डेकोर किया था, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी करने के लिए था नहीं, ना हम लोग बाहर जाने वाले थे और कुछ भी था नहीं। तो फिर बस ऐसा लगा कि थोड़ा सा लगे ईद है, तो फिर मैंने ये वाला ईद टेबल डेकोर किया था। तो फिर यहाँ पर अच्छा सा पॉट और जो भी थोड़ा सा स्नैक्स और ड्राई फ्रूट्स वो सब रखे थे। और जैसे मैं रखते जा रही थी ना इसके अंदर सब, तो आर्याना उठा रही थी, और ऐसे तो वो ऐसा कुछ भी खाती नहीं है, बस मुंह में डाल के फिर फेंक देती है वो। और ये सब जो भी स्नैक्स हैं ना, ये सब हम लोग ने इंडियन स्टोर से लाए थे। हम लोग शिकागो से आने के बाद इंडियन स्टोर गए थे, क्योंकि हमारा पूरा ग्रॉसरी ख़त्म हो गई थी, तो फिर हम लोग ये सारी चीज़ें वहाँ पर। और फिर लाए ना थे। मैं आर्यनु का ऐसे गोद में लेके सब अरेंज कर रही थी, क्योंकि मैं नीचे रख रही थी ना उसको, तो फिर जो भी मैं अरेंज कर रही थी वो बार बार उठा के नीचे गिरा दे रही थी। तो हम लोग ना 5:30 बजे से उठ गए थे सुबह के, और फिर हम लोग ने सब नहाए, और फिर बाद में मैंने शीरकुरमा बनाई और आर्याना को तैयार की। और फिर आज है ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज का टेम्परेचर 40 के 37 डिग्रीज था, तो फिर हम लोग पूरा दिन घर पर ही बैठे थे, बाहर जाने का कोई प्लान भी नहीं किया फिर। और यहाँ पर ना हमारी फ़र्स्ट बकरा ईद थी, और आर्याना की सेकेंड बकरा ईद है उसकी लाइफ की। जब वो फर्स्ट बकरा ईद में ना वो 1 मंथ की थी, और अभी 1 साल की हो गई है। और ये आ गया शीरकुरमा, और हो गया ईद टेबल डेकोर फिनिश। फिर निहाल और खालिद आ गए नमाज़ पढ़ के, और फिर बाद में हम लोग ने साथ में शीरकुरमा खाया। और उसके बाद में मैं मेकअप करने के लिए गई थी, और फिर मेकअप करने के बाद हम लोग गए हमारी आंटी के उधर उनसे ईद मिलने के लिए। तो उनका जो घर है ना बस व�किंग डिस्टेंस है, बस थोड़ा सा 2 मिनट का रास्ता है, तो हम लोग जा रहे थे कार में क्योंकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो बस अभी देखना कि बस 1 मिनट में घर आ जाएगा। और मेहंदी है ना मुझे आर्याना को भी लगानी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा केमिकल वाली स्मेल आ रही थी ना, इसलिए मैंने उसको नहीं लगाया, और वो बार बार मेरा हाथ देख रही थी, एकदम रेड रेड लग रहा था इसलिए। और फिर हम लोग घर पर ही थे, क्योंकि ना आर्याना को थोड़ा फीवर जैसा था, तो बस उसको आराम से सुला दिए थे पूरा दिन। ये ना एकदम मिनी व्लॉग है, छोटा सा व्लॉग है। और ये आ गया उनका घर, ये जो सेकंड वाइट वाला है उनका घर है वो। हम लोग आ गए यहाँ पर ईद में लिए, थोड़ा 1-2 घंटा बैठे थे, फिर हम लोग वापस घर पर चले गए। और ये जो दही है ना, ये हम लोग ने घर पर बनाया है, तो कितना अच्छा बना है देखो। और हम लोग ने 2-3 बार बनाया, लेकिन थोड़े थोड़े क्वांटिटी में बनाया, और ये बार हम लोग ने थोड़ा ज़्यादा बनाया, तो बहुत मस्त बना था। और फिर जैसे मैंने बोला था बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ना हम लोग नीचे गए थे ये ट्रे लेकर पानी डालने के लिए, बहुत सारे स्क्विरल्स आते, बर्ड्स आते, तो फिर देखते वो लोग पानी पीते कि नहीं यहाँ पर से। तो फिर हम लोग ने ये ट्रे ना झाड़ के नीचे रख दी थी, और फिर मुझे लगा कि ये वाली ट्रे उड़ जाएगी हवा की वजह से, तो मैं पत्थर ढूंढने गई थी, लेकिन पत्थर ना बहुत ज़्यादा बड़ा था और कोई भी छोटे पत्थर नहीं थे। फिर हम लोग ने बस इसको वैसे ही रख कर आ गए घर पे, और फिर मेरा क्लास चालू होने वाला है मंडे से, तो मैंने बुक्स डाउनलोड कर दी मेरे लिए। फिर उसके बाद में वही दही से ना मैंने चिकन ओवर राइस बनाई थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि घर वाला दही है। तो आज का मिनी व्लॉग इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।